करीब दो साल पहले 23 मार्च 2019 को पाकिस्तान दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद विशेष अतिथि थे। महातिर मोहम्मद अपने पाकिस्तानी समकक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ सलामी मंच पर बैठे थे और पाकिस्तान दिवस की परेड में शामिल सशस्त्र सेना की टुकड़ियों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। इस समारोह में महातिर मोहम्मद को JF-17 थंडर के नाम से मशहूर पाकिस्तान निर्मित फाइटर जेट्स के ग्रुप ने हवा में करतब दिखाए। महातिर मोहम्मद पाकिस्तान में पहली बार स्थानीय तौर पर निर्मित लड़ाकू विमान की चौथी जनरेशन यानी JF-17 ब्लॉक 3 के हवाई करतबों को देखकर बहुत प्रभावित हुए। इस विमान को पाकिस्तान में ही तैयार किया गया है। पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स PAC और चीन के चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन यानी CAC ने इसे मिलकर बनाया है। मलेशिया के प्रधानमंत्री की इस आयोजन में उपस्थिति कोई इत्तेफाक नहीं थी। उस समय रॉयल मलेशियाई वायुसेना खुद को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम के तहत JF-17 खरीदने पर विचार कर रही थी। मलेशिया ने पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू जेट और एंटी टैंक मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री असद उमर ने मीडिया को बताया था कि प्रधानमंत्री आवास पर दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल ने इच्छा जताई है कि मलेशिया में होने वाले रक्षा मेले में JF-17 थंडर फाइटर जेट्स भाग लें। महातिर मोहम्मद के पाकिस्तान में JF-17 के करतब देखने के कुछ दिनों बाद मलेशिया ने लैंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एरोस्पेस एक्सपो का आयोजन किया। यहां रॉयल मलेशियाई वायुसेना ने न केवल JF-17 बल्कि दक्षिण कोरिया निर्मित FA-50 गोल्डन ईगल विमानों का अभ्यास देखा और उनकी क्षमताओं का परीक्षण किया। उस समय से मलेशिया की वायुसेना इन दोनों में से किसी एक विमान को खरीदने पर विचार कर रही है। कुछ स्रोतों के अनुसार मलेशिया को अपेक्षाकृत आधुनिक ब्लॉक 3 JF-17 विमान की पेशकश की गई है। इसकी तुलना में दक्षिण कोरिया का FA-50 हल्का लड़ाकू विमान है, जिसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी KAI ने कोरिया गणराज्य की वायुसेना ROKAF के लिए बनाया है। ये प्रशिक्षण देने वाले आधुनिक विमान और हल्के लड़ाकू विमान को मिलाकर बनाया गया है। हालांकि पाकिस्तानी विशेषज्ञों ने इस बात को कम ही महत्व दिया है कि दोनों लड़ाकू विमानों के बीच कोई समानता है। विमानन विशेषज्ञ और पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व लड़ाकू पायलट कैसर तुफैल बताते हैं कि एक तरफ JF-17 है जो पूरी तरह से लड़ाकू जेट है और दूसरी तरफ FA-50 विमान है जो बुनियादी तौर पर प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक आधुनिक विमान है, जिसमें कोरिया ने खरीदार की इच्छा अनुसार कुछ आधुनिक तकनीक या लड़ने की क्षमता शामिल कर दी है। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर डिफेंस वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी के निदेशक शाहिद रजा ने कहा कि JF-17 थंडर कोरिया के FA-50 विमान से कई मायनों में बेहतर है। शाहिद रजा ने बताया, JF-17 ब्लॉक 3 आधुनिक रडार से लैस है। ये रडार 100 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली SD-10 मिसाइलों का मार्गदर्शन करने में सक्षम है, ताकि वो सटीक निशाना लगा सकें। वो कहते हैं कि लागत के अलावा JF-17 थंडर अपने कोरियाई प्रतिद्वंदी विमान के मुकाबले कई तरह से बेहतर है। शाहिद कहते हैं, ये विमान ज्यादा बड़ी रेंज में युद्ध लड़ने में सक्षम है, इसमें ज्यादा गोला बारूद उठाने की क्षमता है, इस विमान में नजर से परे देखने की क्षमता मौजूद है, ये हवा में तेजी से दिशा बदल सकता है, इसके अलावा हवा से सतह और हवा से समुद्र में मार करने की खूबी भी इस विमान को दूसरों से आगे रखती है। वो कहते हैं, JF-17 थंडर युद्ध या तकनीक के लिहाज से एक सफल विमान है, जिसे म्यांमार और नाइजीरिया में निर्यात किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ अन्य देशों से भी और ऑर्डर मिलने की संभावना है। JF-17 एक बेहतरीन मल्टी रोल विमान है, जो बहुत ही आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है और FA-50 इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विशेषज्ञ इन दोनों विमानों में इस अंतर को बुनियादी पहलू के रूप में नहीं देखते हैं। लंदन से प्रकाशित होने वाले जेन डिफेंस वीकली के संपादक पीटर फेल्स्टेड ने BBC को बताया, FA-50 और JF-17 दोनों सिंगल इंजन वाले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान हैं। उन्होंने कहा, किसी देश को केवल ये फैसला नहीं करना होता है कि उसे एक बेहतरीन लड़ाकू विमान खरीदना है, बल्कि ये फैसले राजनीति से प्रेरित होते हैं। ये निर्णय लेते हुए विमान की क्षमता को भी ध्यान में रखा जाता है और इसकी समीक्षा की जाती है।
पीटर फिलस्टेड ने बताया कि JF-17 की खरीदारी से मलेशिया चीनी हथियारों से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये विमान पाकिस्तान और चीन दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर तैयार किया है, जबकि FA-50 का मतलब पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल करना होगा। वो कहते हैं कि अगर मलेशिया आगे भविष्य में JF-21 खरीदना चाहता है तो FA-50 एक अच्छा विकल्प होगा। यही राजनीतिक विचार निश्चित तौर पर मलेशिया में निर्णय लेने वालों के दिमाग में भी होंगे। इसी तरह पाकिस्तानी विशेषज्ञ JF-17 की कम कीमत का भी जिक्र करते हैं। रक्षा विश्लेषक सेवानिवृत्त एयर मार्शल शहजाद चौधरी ने कहा कि उनके अनुसार JF-17 जैसी क्षमताओं वाला लड़ाकू विमान इस कीमत पर मिलना संभव नहीं है। वो कहते हैं, इस जनरेशन और इस प्रकार के लड़ाकू विमान $100 मिलियन प्रति विमान की कीमत पर बिकते हैं, जबकि JF-17 का एक विमान केवल $30 मिलियन की बेहद सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है। इसकी लागत इसे खरीदार के लिए बहुत आकर्षक बनाती है। वो कहते हैं कि JF-17 लड़ाकू विमान का युद्ध में परीक्षण किया गया है। इस विमान को 27 फरवरी 2019 के हवाई युद्ध में इस्तेमाल किया गया था, जब भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमला किया था। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर दक्षिण कोरियाई मीडिया रिपोर्ट्स ने पाकिस्तानी विशेषज्ञों की इस बात का खंडन किया है कि FA-50 ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। यूरेशियन टाइम्स ने कोरियाई मीडिया के हवाले से प्रकाशित किया है कि इस लड़ाकू जेट को पहली बार फिलीपींस सर्विस में युद्ध का अनुभव मिला था। इसे चरमपंथी संगठन ISIS से जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। FA-50 वास्तव में T-50 सीरीज से संबंध रखने वाला एक विमान है, जिसमें सुपरसोनिक ट्रेनर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और मल्टी रोल फाइटर यानी एक ही समय में कई क्षमताओं वाले विमान शामिल हैं। पूर्व पाकिस्तानी पायलट कैसर तुफैल ने कहा, पाकिस्तानी वायुसेना स्वीडन निर्मित ग्रिपेन लड़ाकू विमान खरीदने में दिलचस्पी रखती थी, लेकिन निर्णय लेने वालों ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके इंजन अमेरिका निर्मित हैं। किसी भी प्रतिबंध की स्थिति में ग्रिपेन विमान सैन्य जरूरत के समय में उपयोग करने के काबिल नहीं रहेंगे। वो कहते हैं कि FA-50 के साथ भी यही समस्या है कि इसका डिजाइन, इंजन, विमान में इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक सामान और हथियार सभी अमेरिकी हथियार उद्योग से आते हैं, जबकि JF-17 में इस्तेमाल होने वाले रूसी और चीनी स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजें आमतौर पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से जुड़े हुए नहीं होते। पीटर फेलिस्टेड ने कहा कि FA-50 को प्रशिक्षण देने वाले विमान से अपडेट करके आधुनिक लड़ाकू विमान के तौर पर तैयार किया गया है, जबकि JF-17 मल्टीटास्क की क्षमता वाले विमान के तौर पर तैयार किया गया था। वो कहते हैं कि अंत में राजनीतिक सोच विचार से ज्यादा मामला यहां आकर तय होगा कि कौन ऐसा प्रस्ताव पेश करता है जो रॉयल मलेशियाई वायुसेना के लिए लागत के लिहाज से सबसे ज्यादा स्वीकार्य हो सकेगा।